हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरकिरत। आज हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। इसे हम डोसे के साथ भी खा सकते हैं और इडली के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हमारी कोकोनट चटनी बनाना शुरू करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोकोनट चटनी बनाने के लिए पहले मैंने कोकोनट लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी इसे हम ब्लेंडर के जार में डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अभी इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कोकोनट चटनी हमारी रेडी है। अभी इसका हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें हम दो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इसको मैंने तोड़ लिया था सेंटर में। इसमें हम 1 टीस्पून इसमें राई डाल देंगे। आप सरसों भी डाल सकते हैं, वो थोड़ी सी मोटी वाली होती है। अभी इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। ऐसे ही हिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए राई हमारी चटकने लग गई है। गैस को बंद कर देंगे। अभी ये तुड़के को हम अपनी कोकोनट चटनी के ऊपर डालेंगे। अभी हम चटनी के ऊपर तुड़का डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारी कोकोनट चटनी बनके रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।